जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री में मौजूद है और आम आदमी पार्टी का आज रोष स्वरूप प्रदर्शन देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरपंचों पर लाठी चार्ज किया गया, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देख सकते हैं कट्टर और उप मुख्यमंत्री का पुतला, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए बाजार से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनताल का पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं समय आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इंद्री में इस समय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मेन बाजारों से निकल कर जाएंगे और बस स्टैंड पर पुतला फूकेंगे, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनताल का पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पंचकूला में सरपंचों पर लाठी चार्ज किया गया, उसी के रोष स्वरूप आज आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मेन बाजारों से ये प्रदर्शन होता हुआ जाएगा और बस स्टैंड पर जाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूका जाएगा, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनताल का पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो इस समय मेन बाजारों से होते हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं मेन बाजारों से समय आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला लेकर के जाते हुए नजर आ रहे हैं। रोष स्वरूप प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पंचकूला में सरपंचों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उसी के रोष स्वरूप आज देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इंद्री मेन बाजारों से होते हुए, जी हां मेन बाजार से होते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीर आपके समय जनताल का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रोष स्वरूप प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है प्रदीप कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रदीप जी क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम आज का? आज का आपको पता है हरियाणा प्रदेश में सभी सरपंच अपने अधिकारों के लिए सीएम के वहां पर धरना दे रहे थे शांतिपूर्वक, और किस प्रकार से उन पर लाठी डंडा उनके ऊपर बरसाया गया, उनके ऊपर बुछारे बरसाई गई, उसी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध कर रही है। ये तानाशाह रवैया क्यों अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ? सरकार को एक घमंड हो जाता है, राजा को एक घमंड हो जाता है अपनी शक्तियों पर, और वो इस तरह की कार्रवाई करने में लग जाती है। लेकिन जब जब अत्याचार हुए हैं वो सरकार पतन की ओर गई है। आज भी हरियाणा सरकार से हर वर्ग दुखी होकर आज इस सरकार के खिलाफ है, और इनकी जो गैर जन विरोध नीतियां हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर उनका विरोध कर रही है। आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? आगे का कार्यक्रम सरकार की हर जुल्म के ऊपर आम आदमी पार्टी जो है टक्कर देने का काम करेगी, और सड़कों पर गलियों में मोहल्लों में जाकर सरकार को उखेड़ने का काम करेगी। देख सकते हैं समय आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का रोष स्वरूप जो प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आज जो सरपंचों पर लाठी चार्ज जो है उसी के चलते ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पंचकूला में जिस तरीके से पुलिस द्वारा सरपंचों पर लाठी चार्ज किया गया, उसको लेकर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए मेन बाजार इंद्री से होते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनताल का पर दिखा रहे हैं। देख रहे हैं मेन बाजार से होते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं मेन बाजारों से होता हुआ इस समय जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर नारेबाजी करते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं। रोष स्वरूप ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और आज इंद्री में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा सरपंचों पर लाठी चार्ज के मामले को लेकर रोष स्वरूप प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रोष स्वरूप प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेन बाजारों से होते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए, जी हां विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सरपंचों पर पंचकूला में जिस तरीके से पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, उसी के रोष स्वरूप आज देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इंद्री मेन बाजारों से होते हुए नारेबाजी करते हुए और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपके समय जनता हल खबर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं रोष स्वरूप आम आदमी पार्टी का इस समय प्रदर्शन इंद्री मेन बाजारों से होता हुआ और बस स्टैंड पर जाता हुआ नजर आ रहा है, और जहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। आप देख सकते हैं मेन बाजारों से होता हुआ ये प्रदर्शन
अब बस स्टैंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय जनता हलका पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं समय आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं इस समय मेन बाजारों से होते हुए इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करते हुए बस स्टैंड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। कारण क्या रहे हैं? कारण विरोध स्वरूप आज जिस तरीके से सरपंचों पर लाठी चार्ज किया गया, उसके रोष स्वरूप आप देख सकते हैं देवेंद्र बदली का जो पोस्टर है उस पर मुद्दाबाद के नारे ले और नारेबाजी करके इस समय मेन बाजारों से होते हुए बस स्टैंड की तरफ जाते हुए समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं। मेन बाजारों से होते हुए समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए बस स्टैंड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपके समय जनता हलका पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। समय आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीडीपीओ कार्यालय के बाहर इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस द्वारा सरपंचों पर लाठी चार्ज किया गया, उसके विरोध स्वरूप आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस समय मेन बाजार से होते हुए प्रदर्शन करते हुए निकले और पीडीपीओ कार्यालय के बाहर इस समय नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। पीडीपीओ कार्यालय के बाहर इस समय काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस समय पहुंच चुके हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, उसी के रोष स्वरूप ये प्रदर्शन किया जा रहा है। के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, सरपंच कोई ऐसा नहीं है कि अपने लिए कुछ मांगने के लिए गए थे। सरपंचों को सरकार ने एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चुनवाया गया था और गांव वालों ने चुना था उनको, तो वो सरकार से मिलने गए थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज है। लोकतंत्र की पूरी हत्या है। सरपंच ऐसा क्या मांग रहे थे जो उनको देने की बजाय उन पर लाठी चार्ज किया गया? सरपंचों ने यही मांगा कि ई टेंडरी की लिमिट को बढ़ाया जाए। 2 लाख के अंदर कौन सी गली बन सकती है मुझे बताइए, जिसमें 25% टैक्स भी होगा। 1.5 लाख में आप कौन सी तो गली बना लोगे, कौन से गांव का विकास कर लोगे? सरपंचों को बोला जाता है राइट टू रिकॉल के अंदर आपको वापस कर देंगे। अब सरकार सबसे पहले कमांडर बन के दिखाए, सबसे पहले MLA और MP पे इम्प्लीमेंट करे, फिर सरपंचों को बोले राइट टू रिकॉल आपके लिए किया जाएगा, फिर तो समझ आती है कि कमांडर बनने का काम किया गया। तो आज जो हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे सरपंचों के सम्मान में इकट्ठे हुए हैं, जो लाठी चार्ज हुआ है वो सरपंचों के ऊपर ही लाठी चार्ज हुआ, वो पूरे गांव ने जिनको प्रतिनिधि चुन के भेजा था उस पर लाठी चार्ज हुआ है। फिर कोई भी सरकार एक सिस्टम से चलती है, छोटी सरकार बड़ी सरकार, जो ये सरकार भी है ये छोटी सरकार है गाँव की, इसके बिना कौन सी सरकार विकास कर लेगी जिसको रोकने का काम किया जा रहा है? ये सरपंचों को भ्रष्टाचार बताने का काम करते हैं। अगर इतना ही भ्रष्टाचार रोकने का जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो 2 साल कहीं पे सरपंच की कोई पंचायत नहीं रही। सबसे पहले तो पब्लिक डोमेन के अंदर पोर्टल के अंदर उस डाटा को जाके डाले और फिर सरकार से जनता से पूछे क्या कोई घोटाला है इसमें, जो हमने ये काम किए थे इन पर घोटाला है, तो सबको पता चल जाए कितने बिल बने हैं, कितने काम हुए हैं। सबसे पहले वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करें। कर्मचारी जाते हैं OPS मांगते हैं, पता चलता है उन पर लाठी चार्ज होते हैं। किसान जाते हैं उसको कहते हैं आतंकवादी, सरपंच जाते हैं तो उसको बोलते हैं भ्रष्टाचारी। तो मुझे ये तो बता दें ये पॉलिसी कौन लेके आया? जनता के लिए कोई कोई जनता में खुश है? कर्मचारी खुश हो, व्यापारी खुश हो, किसान खुश हो, युवा खुश हो, सरपंच खुश हो, कौन खुश है? कौन सी पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसके अंडर सबको चोर या भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है? तो सरकार को इसके ऊपर यू टर्न लेना चाहिए। जो सरपंचों की डिमांड है उसको पूर्ण रूप से उनको इमीडिएट लागू करना चाहिए। जो वो चाहते हैं मिल बांट के बात करें ना, क्या करना है उन्हें, मिले उनसे बात करें कि आप चाहते हैं क्या हो, गाँव का विकास ही तो करना है ना। या तो सरकार चाहती है कि गाँव का विकास हमें करना ही नहीं, ठीक है चलने दो, 2 साल पहले निकल गए, 1.5 साल ये आंदोलन में निकल जाएंगे इतने में सरकार चली जाएगी। क्या लगता है आपको? आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी शर्मनाक बात हुई कि सभी हरियाणा के सरपंच अपने अधिकारों के लिए CM साहब के वहाँ धरना दे रहे थे शांतिपूर्वक, और किस प्रकार से इस तानाशाही सरकार ने जबरन उन पर लाठी चार्ज करने का काम किया और उनको बारिशों की बुछार उनके ऊपर की, यह बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि एक सरपंच होता है वो गांव का एक नुमाइंदा होता है और सभी गांववासी उसको अपनी वोट द्वारा उसको सरपंच बनाने का काम करते हैं। वो सरपंच केवल विकास कार्यों में नहीं बल्कि गांवों के साथ सुख दुख में भी उनका साझी होता है।
लेकिन सरकार ने ये अपमान केवल सरपंचों का अपमान नहीं है किया, पूरे हरियाणा वासियों का उन्होंने अपमान करने का काम किया। इस प्रकार से ये सरकार तरह तरह के नियम बनाकर आम आदमी को ठगने का काम कर रही है, ये आपके सामने है। सरपंच जो होता है वो गांव का मुखिया होता है और सभी गाँव वासियों के साथ सहमति के साथ पंचों से परामर्श करने के बाद, गाँव वासियों से परामर्श करने के बाद वो गाँव का विकास कार्य मिलकर करता है। लेकिन सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी उन पर बना दी कि वो ई ट्रेडिंग के माध्यम से सरपंच केवल 2 लाख का काम ही अपने आप कर सकता है। इस महंगाई के दौर में आप जान सकते हैं कि 2 लाख रुपए में एक नाली का भी निर्माण नहीं होता, लेकिन इन्होंने केवल 2 लाख रुपए का वाला जो सिस्टम सरपंचों को ये दिया है उससे पूरे सरपंच नाराज थे, खफा थे और इसी के लिए अपने अधिकारों के लिए सभी सरपंच इकट्ठे होकर वहाँ पर धरने पर बैठे थे। सरकार ने उन पर किस प्रकार से प्रहार किया है, ये केवल सरपंचों पर प्रहार नहीं पूरे जनता पर प्रहार करने का काम किया। बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा स्तर पर इस प्रकार से अपनी ब्लॉक जो भी होता है इनका वीडियो ऑफिस का वहां पर धरना प्रदर्शन किया, सीएम का पुतला फूकने का हम काम करेंगे और ये सरकार को दर्शाने का काम करेंगे कि आप आम आदमियों के फैसलों के साथ उनके लिए खड़ी हो, ना कि उनके विरोध में खड़ी हो। और जब जब इस तरह से अत्याचार बढ़ते हैं, इतिहास गवाह है कि अत्याचार करने वालों का ये पतन का काम होता है जब ये अहंकारी में आ जाते हैं। देखिए आज का जो प्रदर्शन है सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ है, जो ये इस सरकार में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। सरपंच जो होता है जनता का एक नुमाइंदा होता है जिसे जनता चुनकर आगे भेजती है ताकि वो गाँव का विकास कार्य कर सके, और इस सरकार ने सरपंचों पर लाठियाँ बरसाई हैं जो गांव का नुमाइंदा था, यानी उन्होंने जनता पर ही लाठियां बरसाई हैं क्योंकि जनता ने उनको चुनकर भेजा था। वो अपने गांव के विकास के लिए मांग कर रहे हैं क्योंकि जो पिछले 2 साल से सरकार चुनाव नहीं करा पाई उसमें जो जो गड़बड़ हुई है सबको पता है। 2 साल इन्होंने इसलिए देरी कराई, वो आदत लग गई है इनको, वो भ्रष्टाचार जो इन्होंने 2 साल में किया उसकी, ताकि वो कंटिन्यू चलता रहे इसलिए ये प्रणाली लेकर आए हैं, और इन्होंने इसका सारा कंट्रोल ऑफिसर्स के हाथ में रख दिया है ताकि उनके जरिए सरकार इसमें भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से पंचायतों का पैसा खाकर कहीं और लगा पाए, गांव में विकास कार्य ना हो। और ये जो ईमानदारी से कैसे काम हो रहा है, सरपंच कह रहे हैं ई टेंडरिंग की पावर आप हमें दे दो, हम अपने हिसाब से करेंगे, वो पिछले 2 साल में जो पैसा गड़बड़ हुआ उसकी जांच करा ले सरकार, पता लग जाएगा कहाँ ईमानदारी से कार्य हुआ है। 2 साल से सरकारी पंचायतें चला रही थी, आज चुनकर आए हैं तो इनको इनका अधिकार नहीं दे रही है ताकि गांव के विकास कार्य कर सके। आज आम आदमी हल्का इंद्री इकाई जो है वो आप जो है ना, जो कट्टर सरकार ने पंचकूला के अंदर हमारे माननीय सरपंचों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है और उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी हल्का इंद्री यहाँ पर सभी जो है ना कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर आज कट्टर सरकार का पुतला फूका जाएगा। ये जो कट्टर सरकार है, ये जो है सरपंच जो हमारे जनता के प्रतिनिधि जो चुने गए हैं और उन्होंने जनता ने उनको चुनकर भेजा है और उनकी 2 लाख रुपए लिमिट करना बहुत ही जो है निंदनीय विषय है, क्योंकि 2 लाख रुपए में तो आज के टाइम में एक लैटरिन बाथरूम ही नहीं बनते। तो देखिए सरपंचों के साथ ये कहते हैं कि सरपंचों को राइट टू रिकॉल के अंदर जो है उनको वापस लाया जाएगा, उनको वापस बुलाया जाएगा। ये अगर सरकार इतनी ही मान लो राइट टू रिकॉल को लाना चाहती है, पहले MLA MP मंत्रियों पर लागू करे तो तब उसको राइट टू रिकॉल बनता है। पीछे 2 साल तक हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुए, इस प्रकार से जो है ना आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है ना हमारी जनता परेशान रही, और 2 साल का जो घोटाला किया है अफसरों ने मिलकर सरकार के साथ, तो उसका जो है ना उसके ऊपर जो है ना एक श्वेत पत्र जारी करे सरकार। दे सकते हैं जो इस समय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का जो पुतला है उस पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं, रोष स्वरूप प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से रोष स्वरूप ये इंद्री से प्रदर्शन होता हुआ और आज मेन बाजार से होता हुआ बस स्टैंड की तरफ पहुंचा है, और देख सकते हैं समय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पुतले को आग लगाई जा रही है, रोष स्वरूप ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से सरपंचों पर लाठी चार्ज किया गया उसी के रोष स्वरूप आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए मेन बाजारों से निकले और मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। रोष स्वरूप ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता दल का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इस समय मेन बाजार से होते हुए ये प्रदर्शन होता हुआ और अब देख सकते हैं मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का जो पुतला है वो फूंकते और जूते मारते हुए पुतले को नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जूते मारते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पुतले को आग लगाकर जूते मारते हुए नजर आ रहे हैं और
रोष स्वरूप ये प्रदर्शन आज इंद्री में किया गया, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता दल पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं मुख्यमंत्री के पुतले को आग लगा दी है और रोष स्वरूप ये प्रदर्शन मेन बाजारों से होता हुआ बस स्टैंड पर, यहाँ पर आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पुतले को आग लगा दी और उसके बाद रोष स्वरूप ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता दल का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पुतले का दहन कर दिया है, आग लगा दी और रोष स्वरूप नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री PDPO कार्यालय के बाहर इस समय आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा रोष स्वरूप प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता दल का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।